हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेकर, जिस वीडियो में आपको आई थिंक बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे हाइलाइटर्स। ये हैं हाइलाइटर्स, ये अंडर 500 के अंडर है, तो इसको कोई भी बहुत ईजी खरीद सकता है, बहुत आसानी से खरीद सकता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइज एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको किसी भी चीज़ का रिव्यू जानना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए और मैं आपका रिव्यू ज़रूर बनाऊँगी, आपके रिव्यू ज़रूर बनाऊँगी आपका। मतलब समझ रहे हो ना, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी मतलब वीडियो बना सकती हूँ यार। वीडियो आप जो रिकमेंड करोगे मैं वैसी वीडियो बनाऊंगी जस्ट आपके लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हाइलाइटर जो है अंडर 500 के। तो ये है देखो एम एन का हाइलाइटर आपको दिख रहा है, एम एन का हाइलाइटर है। इसको आप डेली पर्पस में यूज़ कर सकते हो। इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है, लाइक बटर, कैन यू सी। ओके, तो ये हाइलाइटर मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखिए, इसमें चंकी गिल्टर्स नहीं है, ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है। और ये जस्ट ₹200 के अंडर था। ये सारे हाइलाइटर ज़्यादातर मैंने लोकल मार्केट से परचेज किए हैं, तो ये मुझे 200 के अंडर मिला। 200 के अंडर ये हाइलाइटर बेस्ट है, और इसमें चंकी गिल्टर्स नहीं है, तो इसको आप डेली पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं। छोटू सा है, इसकी पैकेजिंग प्लास्टिक की है। ये छोटू सा हाइलाइटर बहुत खूबसूरत हाइलाइटर है, इनफैक्ट इसको मैं खुद यूज़ करती हूँ, डेली यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं हाइलाइटर अपनी फिंगर से यूज़ कर लेती हूँ, मुझे ब्रश से नहीं अच्छा लगता इतना हाइलाइटर लगाना जितना मुझे अपनी फिंगर से अच्छा लगता है। आप देख सकते हो इसका ग्लो, ये हाइलाइटर बेस्ट है। सेकंड हाइलाइटर की बात करते हैं, सेकंड हाइलाइटर है हमारे पास इन कलर का हाइलाइटर। आप देख सकते हो इसमें हमारे पास है शेड नंबर 7 मूनस्टोन। एंड ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छा हाइलाइटर है, आप देखो ये हाइलाइटर। इसको भी मैं स्क्रैच करके दिखाती हूँ, ये भी बहुत बहुत सॉफ्ट हाइलाइटर है। आप देख सकते हो इसका ग्लो कितना अच्छा है। एंड ये भी 250 के अंडर में हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है, मैं आपको इसका भी यूज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए ग्लो, ये हाइलाइटर भी बेस्ट है। एंड ये हाइलाइटर 250 अराउंड ही मुझे मिला, मार्केट में ही मिला। एंड ये हाइलाइटर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अगर आप सर्च करेंगे इन कलर का हाइलाइटर तो आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। ऑनलाइन हो सकता है कि थोड़ा सा ये कॉस्टली हो जाए, बट 500 से नीचे होगा, 300 में समथिंग कुछ ऐसा आपको हाइलाइटर ये मिल जाएगा ऑनलाइन। एंड सेकेंड हाइलाइटर आता है हमारा, थर्ड हाइलाइटर आता है मेबेलिन का। ये हाइलाइटर बहुत डिमांड में है आजकल, मैंने सोचा चलो भाई मैं भी ट्राई करके देखती हूँ ये हाइलाइटर कैसा है। और सीरियसली बोलूँ मुझे हाइलाइटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है, जिसको पसंद है तो उसके बारे में बता देती हूँ। ये हाइलाइटर हमारा गोल्डन शेड का है, मेबेलिन का है, मास्टर क्रोम फेस स्टूडियो हाइलाइटर है ये, आप देख सकते हो। एंड इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है, नो डाउट, बहुत बटरी सॉफ्ट है। और ये हाइलाइटर भी स्केच करके दिखाती हूँ आपको मैं, सी ग्लो सी, बट ये अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा हाइलाइटर है, बट मुझे ये पर्सनली अपने फेस टोन के, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए बट मैंने मंगवा लिया। तो ठीक है, मैंने आपके सामने रिव्यू रखना था, मैं रख रही हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ इसका टेक्सचर, इसका स्मूथनेस, इसके पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बटरी सॉफ्ट है, नो डाउट ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है। एंड ये हाइलाइटर मैंने वैसे तो इसको मिंत्रा से परचेज़ किया था, ये मुझे अराउंड 350 या 400 अराउंड कुछ मिला था ये मुझे, एग्जैक्टली इसका प्राइस याद नहीं है, बट हाँ इतने में ही ये मुझे मिला था। अब इसका ग्लो आपने देख लिया है, ये देखिए
ओके जैसा भी है यूज़ करूँगी। एंड इसके बाद आता है एक हाइलाइटर, ये है हाइलाइटर SFR का हाइलाइटर, SFR कलर का हाइलाइटर, ये क्रीमी बेस हाइलाइटर है, कैन यू सी क्रीमी। ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। ये देखिए ग्लो, इसमें तीन शेड है, गोल्डन एंड ये है क्रीमी लाइक ऑफ वाइट टाइप। ये देखिए एंड तीसरा है, ये थोड़ा सा ब्लशर टाइप हाइलाइटर है, मैं इसको यूज़ नहीं करती, ये मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे दो शेड पसंद है वो मैं यूज़ करती हूँ। ये आप देखो ठीक है, बट ये भी ठीक है, ये अराउंड मुझे 100 रुपीज़ का मिला था मार्केट से, मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज़ किया था SFR का कलर हाइलाइटर, ये मेरे को 100 रुपीज़ में मिल गया था, या 100 रुपीज़ में मिल गया था। एंड नेक्स्ट हाइलाइटर की बात करते हैं, ये हाइलाइटर है गर्ल बेस्ट फ्रेंड का हाइलाइटर, ये डायमंड शेप में, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मुझे बहुत पैकेजिंग इसकी ऐसी चीज़ें लाइक मुझे अट्रैक्ट कर दिया इस हाइलाइटर ने, तो मैंने बोला चलो ठीक है परचेज़ करके देखते हैं। आप देखो लाइक डायमंड की तरह ये हाइलाइटर है, लेकिन इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा चंकी स्पार्कली ग्लिटर्स थे, तो ठीक है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, बट मैं इसको एज अ हाइलाइटर अपने चीक्स पे चिन पे यूज़ नहीं करती, इसको आईब्रोज़ के नीचे आईब्रोज़ को हाइलाइट करने के लिए यूज़ करती हूँ। एंड ये हाइलाइटर उतना भी अच्छा नहीं है जितना ये मुझे दिख रहा था, इसको बहुत स्केच करना पड़ता है तब जाके इसमें से थोड़ा सा प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन हाँ ये भी थोड़ा सा अच्छा है, पिगमेंटेशन इसकी ठीक है बट बहुत थोड़ा सा ना थिक है, आप देख सकते हो इसका ग्लो बाकियों के अकॉर्डिंग इसका ग्लो। चलो ठीक है अब ले लिया तो यूज़ तो करना पड़ेगा। ये हाइलाइटर मैंने लिया था अराउंड 180 या 190 समथिंग मुझे मिला था, ये हाइलाइटर मुझे प्राइस तो मुझे ज़्यादा बताया था बट शॉपकीपर ने मुझे प्राइस बताया था 300 समथिंग, मैंने बार्गनिंग की, मैं बार्गनिंग करने में थोड़ी सी एक्सपर्ट हूँ, मैंने बार्गनिंग करके इसको 180 या 190 में परचेज कर लिया, बट अब मुझे लगता है कि मैंने पैसा वेस्ट किया, पर ठीक है ओके, मतलब कुछ ना होने से कुछ है ठीक है। अभी नेक्स्ट आती है ये पैलेट की बारी, ये पैलेट का वैसे तो इसका कत्ल कर दिया मैंने क्योंकि सब कुछ हट चुका है इसका, ये है स्विस ब्यूटी का पैलेट, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट है ये, ये पैलेट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। इस पैलेट में डिफरेंट डिफरेंट शेड है, एज अ ब्लशर आप यूज़ कीजिए, एज अ हाइलाइटर आप यूज़ कीजिए, एंड आई शेडो भी आप इससे आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, आई शेडो भी लगा सकते हैं। इसकी पिगमेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी पिगमेंटेशन लाइक बहुत ही सुंदर है, हर चीज़ इसका बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, एक मैं ये वाइट शेड दिखाती हूँ, गोल्डन दिखाती हूँ, ऑरेंज दिखाती हूँ, एंड ये सारे शेड ना आप एज अ ब्लशर यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये भी एज अ ब्लशर यूज़ हो सकता है बट इतना ये अच्छा नहीं लगता ब्लशर में, ये आई शेडो में ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो अभी मैं आपको स्क्रेच करके दिखाती हूँ, वाइट गोल्डन कॉपर एंड लास्ट में ऑरेंज, ओके इसकी पिगमेंटेशन देखो, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पे स्क्रेच करती हूँ, लुक इट गाइस, वाओ ये हाइलाइटर भी मुझे बहुत पसंद है, और इसमें भी चंकी ग्लिटर्स लाइक कुछ भी नहीं है, चंकी ग्लिटर्स इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब लिटिल बिट ग्लिटर यार हर हाइलाइटर में होता है, नो डाउट हाइलाइटर में ग्लिटर्स होते हैं, बिना ग्लिटर के ग्लो कैसे आएगा, बट हाँ ये हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, इसकी पिगमेंटेशन, इसका ग्लो सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये जस्ट मुझे मिला था 450 का, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था, 450 में ये मुझे मिल गया था और ये मुझे बहुत पसंद है, ये पर्सनली मुझे बहुत, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ख़रीदो, इसमें ब्लशर आई शेडो एंड हाइलाइटर सब कुछ है, 3-in-1 है, आप इसको ख़रीदें ये बेस्ट है। नेक्स्ट हाइलाइटर की बात करते हैं हम, नेक्स्ट हाइलाइटर है मार्स का 3D हाइलाइटर जो आजकल बहुत डिमांड में चल रहा है, ये हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर है जो उसी की टाइप से इसकी पैकेजिंग दी गई है। हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर बहुत कॉस्टली होता है, लाइक 3,000-4,000 समथिंग में कुछ आता है वो हाइलाइटर, बट कुछ लोग उसको परचेज़ नहीं कर सकते तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप इसका रिव्यू देखिए, ये मार्स का हाइलाइटर है, ये 4-in-1 हाइलाइटर है, ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 3D हाइलाइटर पैलेट लिखा है इस पर, आप देख सकते हो,
एंड लुक एट दिस, इसमें फोर शेड्स हैं, इसमें फोर शेड्स हैं, 1, 2, 3, 4। और ये हाइलाइटर की पिगमेंटेशन भी गाइस ऑसम है, लाइक ऑसम है। इसको मैं अपने चीक्स पे यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। मैं अपने हाथ थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, बेडशीट से ही चलेंगे, ठीक है, ओके। देन अभी मैं आपको ये हाइलाइटर, फर्स्ट हाइलाइटर दिखाती हूँ, जिसका नाम ही हाइलाइटर है, इसका नाम ही हाइलाइटर है। तो मैं आपको इसका स्क्रैच करके थोड़ा सा अपना यूज़ करके दिखाती हूँ। बट देखो गाइस, इसकी पिगमेंटेशन देखो, मतलब ऑसम है। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ, लुक एट दिस गाइस, इसका ग्लो देखो, वाओ, मैं तो चमक गई लाइक जैसे डायमंड चमकता है ना, ऐसे ही मैं चमक गई, हीरे की तरह मैं चमक रही हूँ। नेक्स्ट जो इसका हाइलाइटर है, इसका नाम है शिमर हाइलाइटर। अब मैं इसका भी स्क्रैच करके दिखा देती हूँ। इसको मैं कहाँ यूज़ करूँ, कहाँ, मैं अपनी नोज़ पे यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा गोल्डन टाइप का हाइलाइटर है, इसका भी ग्लो आप देख सकते हो, मतलब मैं चमक रही हूँ। ये हाइलाइटर देखो आप, यह बहुत अच्छा है। एंड तीसरा है ब्राइटन हाइलाइटर, इसको भी आप मतलब किसी भी कलर के, कोई सा भी कलर हो, अकॉर्डिंग डार्क शेड है, फेयर है, मीडियम है, किसी भी फेयर स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको ये हाइलाइटर यूज़ करने को मिल जाते हैं। जिसका तो इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक स्क्रैच। इसकी पिगमेंटेशन गाइस बहुत स्मूथ है, इसको मैं यहाँ लगा के दिखाती हूँ। लुक एट दिस गाइस, दिस इज़ अमेजिंग। एंड जो लास्ट वाला है, इसका नाम है चॉकलेट, ये चॉकलेट है। इसको हम एज अ हाइलाइटर नहीं बोल सकते कि हम इसको एज अ हाइलाइटर यूज़ करेंगे, बट हाँ इसको हम एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। कई मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, तो उसमें रिव्यूज़ में यही बोला गया था कि चौथे का क्या काम है। लाइक दिया है तो भाई यूज़ करने के लिए दिया है ना, तो आप इसको एज अ हाइलाइटर नहीं यूज़ कर रहे, तो एज अ आई शेडो यूज़ कीजिए, इसको आई शेडो यूज़ कीजिए। ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है, और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, यार एग्जैक्टली मुझे प्राइस याद नहीं है इसका, बट हाँ अंडर 400 ये था, 375 या 385 समथिंग कुछ इसका प्राइस था, इतने में ही मुझे मिला है, फ्लिपकार्ट से मैंने इसको मंगवाया था। ये हाइलाइटर आप मस्ट ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है। तो नेक्स्ट हाइलाइटर है हमारे पास, ये हाइलाइटर, ये है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, इसका नाम है पाल एल्यूमिनेटर मेकअप बेस। ये आप मेकअप करते टाइम फाउंडेशन से पहले अप्लाई कीजिए, तो आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। लाइक चीक्स पे अप्लाई कर लिया, चिन पे, नोज़ पे, अपने हाईलाइट पॉइंट पे आप इसको यूज़ कीजिए, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको फाउंडेशन में मिक्स करके लगाएंगे तो भी आपका फेस बहुत ग्लो करेगा, अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैंने लिया, ये देख सकते हो आप, यार दिख जा, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये थोड़ा सा क्रीम बेस में है, इसको मैं कहाँ लगाऊँ, मैं यहाँ लगाती हूँ इसको, तो यहाँ लगा के थोड़ा सा इसको मिक्स कर देती हूँ, लाइक क्या बोलते हैं, ब्लेंड कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको ब्लेंड कर दिया अच्छे से, ये ब्लेंड हो गया, अब इसका आप ग्लो देख सकते हो, इसका ग्लो देख रहे हो आप, चमक रही हूँ मैं। ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छा हाइलाइटर है, आप इसको भी मंगवा सकते हैं, ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है। एंड ये आपको आई थिंक ये आपको 300 अराउंड कुछ पड़ेगा, 280-290 समथिंग, और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। एंड ये था मेरा आज का रिव्यू, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ गाइज एक लाइक बनता है, तो आपके लिए मैं ऐसी नई नई वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको किसी और चीज़ का रिव्यू देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको परचेज़ करूँगी, फिर आपसे उसका रिव्यू शेयर करूँगी। एंड मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ गाइज, तो एक लाइक तो बनता है ना, तो मुझे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
एंड मेरी वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है लड़के हाइलाइटर यूज़ नहीं करती यार, लड़के भी हाइलाइटर यूज़ करते, आप खुद यूज़ नहीं करते तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदो, उनको दो, वो खुश हो जाएंगी, समझ रहे हो आप, वो खुश हो जाएंगी। आप उनको दो खरीद के, आप खुद भी हल्का फुल्का यूज़ कर सकते हो। और सारी लड़कियाँ हाइलाइटर यूज़ करती हैं, सबको आई थिंक हाइलाइटर सबका फेवरेट होता है हाइलाइटर। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट आपको मिलते हैं सेकंड वीडियो में, देखते हैं वो वीडियो कौन सी होगी। मैं बोल रही हूँ आप मुझे रिकमेंड करो, मैं वही वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट करो। बट पहले उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करो मेरी वीडियोस, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, आई नीड सब्सक्राइबर, व्यूज़ बढ़ाओ। मेरी वीडियोस व्यूज़ नहीं आते, लाइक नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता ना, तो मन नहीं होता वीडियो बनाने का। आप नहीं हेल्प करोगे तो कौन करेगा गाइस, बताओ कौन करेगा, आप ही करोगे ना, आप ही करोगे ना, हाँ मुझे पता है आप ही करोगे। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से कीजिए शेयर, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय माय लवली व्यूअर्स, बाय।